चाहे भोले बाबा। सर जमारा कितना हो जाता है? हाँ बोलिए। भैया आप एग्जैक्ट ना जीपीएस जो मैं डाला हूँ ना वहीं पे आ जाओ। ये जो रोड होता है ना हाईवे, नहीं ये जो हाईवे है ना जो आदिलाबाद का बोर्ड लगा हुआ है ना उसके बगल में देखना एक खाली फील्ड होगा, तो खाली फील्ड में ना एक मैदान है और उसमें एक टेंट लगा होगा। हाँ टेंट लगा होगा और वहाँ एक बाइक खड़ी होगी, वहीं पे आना है। ठीक ओ माय गॉड सो मच एक्साइटेड। देखते कैंप करते हुए जोमैटो ऑर्डर किया हूँ मैं और उसको पेमेंट भी करना है। पहले पेमेंट चेक करता हूँ है भी कि नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कुछ करता हूँ फिर बाद में पेमेंट देखता हूँ, मेरा ये बचपन का आदत है। तो पेमेंट जल्दी से देख लो, 200 का है पेमेंट। पेमेंट 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 देख लो वरना जल्दी से कुछ करना होगा। चलो 305 रुपया है अवेलेबल, तो 200 का खाना ऑर्डर है, बाकी 100 का सुबह नाश्ता हो जाएगा, फिर क्या बस कट गई जिंदगी। बाकी कल देखेंगे फिर क्या होगा। तो मैं गेट खोल के रखता हूँ, कहीं से भी बाइक घुस जाएगा, कहाँ से आएगा वो, किधर से आएगा वो, उसको पता नहीं, जगह पता होगा कि नहीं। तुम ही हो ना? अच्छा हाँ 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 वही है वही है वही रास्ता है। उसको टिप भी दूंगा मैं 10 रुपये। और रिव्यू भी डाल दूंगा 5 स्टार, और नीचे मेंशन भी कर दूंगा कि भाई ने डेस्टिनेशन से अलग ही जगह पे वो आया। कभी रैगनार देखते हैं। देखो ये आवाज़ सुन लिया बाइक का, आइए भैया साहब आ गए। देखो आवाज़ सुन लिया ना ये, कोई नहीं है रैगनार, कोई नहीं है, कहीं नहीं जाइएगा अभी, हाँ कुछ नहीं होगा, नौटंकी है, चलो इधर आओ। मैं यहीं पे कैंपिंग कर गया, नींद आ रहा था तो मैं ऑर्डर कर लिया, सोचा आएगा कि नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये रामेश्वरम का जर्नी है, बहुत लंबा सफ़र है मेरा और फिलहाल तो अनंत जर्नी है ही ये, लेकिन इस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और डेली अपडेट्स के लिए प्लीज़ इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि लेट्स सी, सोची तो है यहीं पे, अभी का कोई कंफर्म सब तो पता नहीं है, नंबर तो उसी में डाला हुआ है। हाय अंकित शेव, लिटिल गोवा में चले क्या, क्योंकि कोई कोई आएंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। हेलो हेलो, मैंने आपको पिंग किया था दोपहर को। हाय कहाँ से आ रहे हो आप? वहाँ अगर मेन रोड पर रुकेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है इसलिए। अच्छा यही तो ठीक है, यहाँ पे इतने चलो बैठो कम आ जाओ इधर इधर चलो। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks. होटल का प्राइस ज़्यादा था तो मैं हैदराबाद में नहीं रुका, तो मैं अब निकल गया हूँ कैंप करने के लिए, तो शहर से बस बाहर निकलना होगा, कोई भी हाईवे के किनारे या जंगल के तरफ मैं टेंट लगा लूँगा, तो फटाफट मुझे निकलना भी होगा क्योंकि शाम होने वाला है, रात में दिक्कत होता है कैंपिंग करने में। तो हैदराबाद से करीबन 25 किलोमीटर ही होगा दूर हूँ,
अब क्या कुकू कु? अरे हर समय प्यार चाहिए तुमको। हाँ जाप, तू जाप नहीं करता है? जाप मींस वर्क जॉब जॉब ओ जॉब जॉब नो 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 डोनेशन आता पब्लिक लोग डोनेट करता कुछ कुछ 150-150 रुपया जैसे आपने अभी ये किया ना और मेरा घर सिर्फ पेट्रोल का है बाकी उतना खाना पीना है नहीं ज्यादा यूट्यूबर बाइक ये अभी मतलब 50 किलोमीटर बाद कोई जंगल है तो वहाँ रुक जाऊंगा मैं। 50 किलोमीटर खुद से बनाता ना खुद से बनाता हाँ एक मुर्गी वगैरह रोड साइड से ले लूंगा और उसको मैं रात में डिनर बना दूंगा खुद से। होटल में क्यों नहीं सोता? बिकॉज मैं घर से निकला हूँ पीस शांति के लिए घूमने के लिए और फिर से अगर मैं वहाँ से निकल के फिर अगर वही लाइफ बिताऊंगा तो फायदा क्या? एक शहर से फिर दूसरे शहर क्या फायदा? चलो ब्रदर बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोग से मजा आ गया। तो बैंगलोर अभी 300 किलोमीटर और है 290 किलोमीटर और अभी मैं गुत्ती से पहले एक जगह पे हूँ 30 किलोमीटर पहले गुत्ती से। आज मैं यहाँ पे सोने वाला हूँ। जब भी मुझे भोले बाबा का कोई छोटा सा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो कुछ भी दिख जाता है तो मुझे वहाँ सोने का बड़ा मन करता है। अब मुझे दिख गया बहुत पुराना एक भोले बाबा का मूर्ति है और मुझे नहीं लग रहा ये बनाया गया एक्चुअली ये बहुत पुराना है और लगता है उसी के बेसिस पे ये मंदिर बना है। जय भोले बाबा। और यहाँ पे आज मैं टेंट लगा करके सोने वाला हूँ। तो अब बैंगलोर आज निकलना है। उससे पहले 50 किलोमीटर नंदी हिल्स आता है वो भी देखना है। क्या हो गया क्या हो गया? नहीं क्या नहीं मेरे को एक बहुत खराब आदत है मैं सुबह उठता नहीं हूँ ना आंख खुली बस भूख लगना चालू। जय भोले बाबा आपके यहाँ सोया काफ़ी अच्छा लगा कंपैरिजन टू एवरीवेयर। सच में आज इस जगह काफ़ी अच्छी नींद आई मुझे। तो इतने सारे सामान सब पैकिंग करके अब निकलना। रामेश्वरम से बस 3 घंटा की दूरी पे हूँ तिरुचिपल्ली से आगे। जैसे जैसे रामेश्वरम पहुंच रहे हैं हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। एक रेल की पटरी भी गुजरी है तो सीधा आपको पंपन ब्रिज से पार करवा देगा रामेश्वरम। तो पहुंच गया मैं रामेश्वरम। देखो देखो रखना देखो देखो
Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. दोस्तों कैसा लगा आपको पंबन ब्रिज? काफी अद्भुत था ना। सामने आओगे आप देखोगे तो एकदम नीला नीला पानी आपको पूरा दूर दूर तक दिखाई देगा और बीच में ये पंबन ब्रिज रामेश्वरम को जोड़ते हुए। दोस्तों रामेश्वरम में तो बहुत कुछ है अभी देखने को। अभी धनुषकोडी है, एकदम ब्यूटीफुल सीनरी, सनसेट सनराइज आप देख सकते हो वहाँ का, मज़ा आएगा आपको काफ़ी। सो अभी रामेश्वरम टेम्पल भी जाना है, पूजा करना है, और अभी तो होटल लेना है। और यहाँ का जो थीम है साउथ का, अब मैं लेने वाला हूँ साउथ का पूरा फुल ड्रेस सेटअप, एकदम हीरो की तरह। अभी यहाँ पे रहना है अपन को, मेरे को और रैगनर को। चलो हटो रैगनर, रैगनर चलो तुम उधर बाहर ही रहो। देखो ऐसा वो दो तीन मिनटों में ये सारा सेट है ना, बोथ में ना। ओके बोले रैगनर किधर, क्या हुआ उधर, क्या कर रहे हो तू? अच्छा मिल रहे हो, 5 मिनट बैठो बैठो उधर नहीं रैगनर, चलो इधर आओ बैठो, चलो बैठो बैठो यहीं पे, मारेंगे वरना। मटन इधर कट रहा है फिर जा रहा है। साइज साइज 38 है, बराबर फुल है ना? हाँ फुल। हाँ ठीक है छोड़ दो, नहीं नहीं वो कपड़ा देख लीजिए। हाँ ऐसे ही है, ट्रांसपेरेंट चाहिए। हाँ ट्रांसपेरेंट। और दो थी, दो मीटर है सिंगल, ये वाला है सिंगल है। हाँ ठीक है। दो ये डबल है, ये डबल वाला है। डबल वाला मतलब नहीं डबल नहीं, बस ऐसे ही। हाँ सिंगल। ओके सिंगल। ये वाला टावल है, टावल। हाँ टावल है, टावल दूसरा कलर है, वेरे सेम कलर चाहिए। ये ले लो डबल। और बेल्ट भी होता है एक? हाँ बेल्ट है, घंटी का एक बेल्ट होता है। रुको वहीं रुको, आना नहीं तो बहुत मारेंगे। फाइनली रामेश्वरम टेम्पल, ये 12 ज्योतिर्लिंग में आता है दोस्तों, और यहाँ के टोटल 4 स्तंभ है। यहाँ भी आप देखोगे यहाँ पे रामेश्वरम हो या फिर यहाँ पे साउथ टेम्पल हो, जो बहुत फेमस हैं, जो बहुत पौराणिक जो टेम्पल होते हैं, यहाँ के टोटल 4 टेम्पल होते हैं, इनके 4 भाग होते हैं मोस्टली। मैं टेम्पल यही देखो तो यहाँ भी वही है। और अभी सबसे पहले होटल लेना होगा क्योंकि यहाँ पे कैंप तो कर नहीं सकता हूँ, बहुत धूप है, काफ़ी ज़्यादा धूप है, विंटर है, और विंटर में आप कपड़े लेके यहाँ पे मत आना। तो 4-5 दिन लगेगा मेरे को, 4-5 दिन शायद मेरे को चेकआउट, 4-5 डेज। फाइव डेज हाँ नॉन एसी का 2 दिन का लग गया, उसके बाद तो और डबल चार्ज है। सो मैं 2 ही दिन रामेश्वरम में रहूंगा। कौन सा रूम है?
फाइनली होटल मिला, काफ़ी ज़्यादा महंगा था, बट सरप्राइज़ ये मिला कि बाद में भैया को पता चला कि मैं यहाँ पे आया हूँ, जो होटल के ऑनर हैं, और उन्होंने अच्छा खासा ऑफर दिया और रैगनार को भी ट्रीट दिया। तो 31st में अगर आप आते हो न्यू ईयर का टाइम, तो आप बहुत पहले से ही होटल बुक करके रखो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉन एसी भी आपको महंगा मिलेगा, एसी के कंपेरिजन में भी ज़्यादा। ये क्राउड दोस्तों सुबह 4 बजे का है, और मैं अधिकतर रात में तो एकदम मुझे मन नहीं करता होटल में रहने का। इतना खूबसूरत रामेश्वरम है, आप समुद्र तट के किनारे चल जाओ और यहाँ पे भक्ति गीत प्रायतम बजता ही रहता है, तो यहाँ भी वही हाल है। क्राउड देखो कितना है, सुबह 4 बजे का टाइम है, और वीडियो शूट नहीं कर सकता था, तो आप आना, और हर चीज़ वीडियो को दिखाना भी सही बात नहीं है, आपका क्यूरियोसिटी कैसे रहेगा इतना ब्यूटीफुल प्लेस आने का। दर्शन करने के बाद मैं निकल चुका हूँ धनुषकोड़ी के लिए। काफ़ी स्ट्रेट रास्ता है ये, और दोनों तरफ बीच है, और आखिरी में आपका पॉइंट होगा, आखिरी पॉइंट रामेश्वरम का, तो काफ़ी मज़ा आता है सनराइज़ सनसेट के लिए, काफ़ी अच्छा प्लेस है। रैगनार को ठंडी ठंडी हवाएं काफ़ी अच्छी लगती है, साउथ में तो इतना गर्मी होता ही, और सुबह का अगर ठंडा हवा ना ले पाए रैगनार तो फिर तो छोड़ेगा नहीं मुझे, हमेशा मोस्टली टाइम वो खड़ा ही रहेगा बाइक पे, जब वो उसको ठंडी ठंडी हवाएं लगती है तो एंजॉय करता है पूरा एकदम। ये देखो दोस्तों, कोशिश करना धनुषकोड़ी एकदम सुबह 4:30-5 बजे आप पहुंच जाओ वहाँ पे, ताकि सनराइज़ आपको देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि सनराइज़ के लिए ही है धनुषकोड़ी। और अभी मतलब मैं लेट ये ब्लॉग डाल रहा हूँ, 2 महीने बाद का ब्लॉग है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, एक भैया ने स्पॉन्सर किया लैपटॉप मुझे, उनके बदौलत मैं अब ब्लॉग डेली बना पाऊँगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना, क्योंकि 2 साल से लगातार मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, और वो भी रैगनार को लेकर के, डबल कोट जर्मन शेफर्ड है, बहुत बड़ा डॉग है, आप सामने से देखोगे तो वीडियो में छोटा लगता होगा आपको। ये देखो दोस्तों धनुषकोड़ी, क्यों फट गई अब, बहुत उछलता था। ये भैया रामेश्वरम में ही रहते हैं, 50 किलोमीटर पार अपने पेट को लेकर क्या है। अब रैगनार का भी सुबह अच्छा हो गया, अब खेलेगा दोनों। धनुषकोड़ी पहुंच चुके थे ये भी, इन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मुझे लगा आप आओगे कि नहीं आओगे, लाइक व्हाई डिडंट यू मैसेज मी इन द मॉर्निंग। Actually, it's not having tower here, right? Okay. There is no tower. Nah.
सेम थी फोर सीट. ये वारा वारा राइट मारा 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 ने कैप्चर कर लिया है. और रैगनार कहाँ गया बेचारा रैगनार. ओके ओके ठीक है उसको उतार रहे रुको उतार रहे उतार रहे. ओह गॉड आराम से टेक इट इजी. चलो सीट सीट रैगनार हो गया आपने ही खेलना. चलो आ जाओ तुम्हारे सीट से उधर इधर 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 रैगनार इधर इधर से चलो बैठो 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 बैठो. वाओ खुद से बैठ गया वेरी गुड. उसका कान सीधा ईयर. दोस्तों ये है रामार प्रथम. तो यहाँ पे आपको राम जी का फुटप्रिंट आपको मिल जाएगा देखने को और यहाँ से पूरा रामेश्वरम आप देख सकते हो. दोस्तों अलविदा फिर से मिलेंगे आपसे. प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना. और आपको अगर करंट आपको स्टेटस चाहिए मैं कहाँ हूँ किस जगह हूँ तो वो मैं पूरा का पूरा डिटेल से मैं डालता हूँ इंस्टाग्राम पे. तो इंस्टाग्राम को फॉलो भी ज़रूर करें वहाँ पे आपको करंट अपडेट पता चल जाएगा कि मैं किस जगह कहाँ रहता हूँ और क्या कर रहा हूँ. तो रैगनार और मैं लेता हूँ अलविदा. थैंक यू सो मच.